दबंगों ने की युवती समेत 6 से ज्यादा लोगों की पिटाई। विरोध करने पर कई घरों को आग के हवाले कर दिया। दुबौलिया थाना क्षेत्र के जोगापुर गांव का ये मामला है। आरोपियों पर FIR दर्ज हुई है। विरोध करने पर कई घरों में आग लगा दी दबंगों ने। दुबौलिया थाना क्षेत्र के जोगापुर गांव का ये मामला, आरोपियों पर FIR दर्ज हुई है। बड़ी खबर इस वक्त 9 TV पर बस्ती से आप देख रहे हैं। शराब को लेकर गांव में दबंगों का हंगामा देखने को मिला। दबंगों ने की युवती समेत 6 से ज्यादा लोगों की पिटाई। विरोध करने पर कई घरों को किया आग के हवाले। दुबौलिया थाना क्षेत्र के केजुगापुर गांव का मामला है ये। आरोपियों पर FIR दर्ज हुई है। आग का तांडव देख लीजिए, किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। कई घरों दे जलकर राख हो गए। स्कूली जी तस्वीर आप देख रहे हैं 9 TV पर। बस्ती से ये तस्वीर निकल कर आई। शराब को लेकर गांव में दबंगों ने बवाल काटा है। दबंगों ने युवती समेत 6 से ज्यादा लोगों की पिटाई की। विरोध करने पर कई घर को किया आग के हवाले। मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। कलीम, समझना और जानना चाहेंगे कि हुआ क्या था। जी पंकज, ये दुबौलिया थाना क्षेत्र के जोगापुर गांव का मामला है, जहां पर दबंग चाहते थे कि उनके लिए शराब लाई जाए। तो वहां पर जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने इसके लिए मना किया कि हम शराब नहीं लाएंगे। उसके बाद मनवड़ों ने अपने दबंगे दिखाते हुए उन लोगों को बहुत मारा, उनके घरों में आग लगा दी गई। जी पंकज, प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है? जो धुआं, जो आग हम देख पा रहे हैं, वो काफी क्षेत्र में लगी हुई है। कितने घर इसमें जलकर राख हुए हैं? क्या ये कच्चे घर थे? हेलो पंकज, पूरी आवाज नहीं आ पा रही आपकी। कलीम, जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, आग काफी क्षेत्र में फंसी हुई है, फैली हुई है, लेकिन ये घर क्या कच्चे थे? ये झोपड़ी थे और इसका संज्ञान एसपी हिमराज मीणा ने ले लिया है और सभी दबंगों के खिलाफ FIR कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कलीम आपका इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें गवाह हैं और ये बताने के लिए काफ़ी कि विवाद शराब को लेकर हुआ था। एक महिला समेत 6 लोगों को पहले पीटा गया, जब इसका विरोध हुआ तो दबंगों ने वहां कई घरों में आग लगा दी।